दोस्तों सामने मेरे खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 वेरिएंट। ये इसका VXI वेरिएंट है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ वगैरह इसमें लगाई गई हैं, जो कि मतलब शोरूम से ही लगवाई थी, कहीं बाहर से कुछ काम नहीं हुआ है इसमें। ये गाड़ी एक प्योर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है आज की डेट में। अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV की तलाश कर रहे हो तो ये गाड़ी टिक्स ऑल द बॉक्सेस। और जिस वजह से मैंने कहा कि ये पूरे पैसे का हिसाब करती है, वो एक एक बात मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या इसके अंदर स्टॉक फीचर्स आते हैं, क्या इसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह लगवाई हुई हैं, और इस गाड़ी के अंदर मतलब क्या क्या आपको देखने को ओवरऑल एज अ पैकेज मिल जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगा। एक एक करके आपको सारी इसकी डिटेलिंग दिखाऊँगा। इसके ऊपर पहले भी मैंने कई सारी वीडियोज़ की हैं, और क्योंकि मेरे पास में ब्रेजा 2021 पेट्रोल वेरिएंट है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारी इलस्ट्रेटेड वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया है। तो आज एक छोटा सा वॉक अराउंड मैं इस गाड़ी का करूँगा, और इसके ऊपर मैंने इसका कंपैरिजन 2021 वाली ब्रेजा से और इसका ड्राइव रिव्यू भी किया है। तो आप चैनल पर उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल्स में सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये पियानो फिनिश में इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी क्रोम की ग्रिल आ जाती है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे देखोगे तो सामने आपको रेडिएटर और ब्लैक कलर का प्लास्टिक्स पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, तो ये शोरूम फॉग लैंप्स जो हैं लगवाए हुए हैं, और ये LED फॉग लैंप्स हैं। और यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प आता है। यहाँ पर आपका टर्न इंडिकेटर आ गया, और यहाँ पर आपका पार्किंग हेडलाइट्स आ जाती हैं, और उसके साथ साथ ये आपके LED वाले फॉग लैंप्स इस गाड़ी में लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात जो इस गाड़ी की है वो ये कि पिछली वाली गाड़ी में भी, 2021 वाली ब्रेजा में भी, आपको बोनट विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती थी, और वो इस गाड़ी में भी इंटैक्ट रखी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर अगर साइड प्रोफाइल की तरफ चलें, तो साइड में यहाँ पर बॉडी क्लैडिंग जो है ये थिक वाली, ये शोरूम से लगवाई हुई है, ये स्टॉक नहीं आती है। तो यहाँ पर ये चेंज है, जिससे कि ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और ये इसको एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। अगर इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करें, तो पहले भी इसमें 16 इंच के टायर आते थे, और अब भी इसमें 215/60R16 के टायर हमें देखने को मिल जाते हैं। VXI वेरियंट में यहाँ पर आपको व्हील कैप्स देखने को मिलते हैं, एलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि ZXI एंड ZXI प्लस अबव आते हैं। उसके बाद में अगर साइड प्रोफाइल की तरफ फर्दर चलें, तो यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर आपका ORVM पर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर शोरूम फिटेड हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट हैं, जो कि साथ में नहीं आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको अगेन एक माउंटेंस का थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है, और ये सिल्वर एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़े से डोर प्रोटेक्टर्स जो हैं वो बाहर से लगवाए हुए हैं, बस ये ही एक चीज़ है जो कि बाहर से गाड़ी के अंदर लगी हुई है। ये थोड़ा सा डोर को अगर आप खोलते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ में स्ट्रक ऑफ होता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आपकी फ्यूल लिड आ जाती है, ABC पिलर आपके आ जाते हैं, और उसके अलावा अच्छी खासी विजिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को गाड़ी में मिल जाती है। बैक प्रोफाइल की तरफ बात करते हैं दोस्तों, ये गाड़ी की बैक प्रोफाइल है। रिवर्स प्रोफाइल में आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल जो इस गाड़ी का बताया जा रहा था और देखने को भी मिलता है, वो है इसका रिवर्स प्रोफाइल। रिवर्स प्रोफाइल में आप देखोगे तो इसके हेडलैम्प जो हैं, जो रिवर्स लैम्प्स हैं, वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब उसमें LED एम्बोस्ड जैसी फीलिंग आती है। यहाँ पर पूरा आपका LED एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पर आपका रिवर्स लाइट्स आ जाती हैं, यहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ पर बड़ी सी ब्रीजा बैजिंग आ जाती है, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, अगेन डिफ्रॉगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका शार्क फिन एंटीना आ जाता है गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपका रिवर्स पार्किंग लैंप देखने को मिल उसके बाद में अगर नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं रेड कलर के दो, और काफ़ी अच्छा थिक बम्पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। सबसे स्पेशल बात इस गाड़ी की क्या है कि पहले ब्रीजा सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलती थी, और वो ऑटोमेटिक आपका 4-speed ऑटोमेटिक आता था, लेकिन अब जो है वो 6-speed टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में आता है, और अब सारे मैनुअल वेरिएंट्स भी आपके स्मार्ट हाइब्रिड हो चुके हैं, जिससे कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी और बेटर देखने को मिल जाती है। एक बार गाड़ी का बूट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी में यहाँ पर आपको 350-350 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर है।
पहले यहाँ पर गाड़ी में जो पार्सल ट्रे आती थी उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब उसमें आवाज़ वगैरह बहुत आती थी, लेकिन अब वो पार्सल ट्रे काफ़ी थिक कर दी गई है और इसका जो तरीका है अटैच होने का वो भी बदल दिया गया है। अब वो यहाँ पर इस तरीके से अटैच होती है। तो पहले क्या होता था कि उसमें यहाँ पर दो जॉइंट्स दिए होते थे लेकिन वो अक्सर निकल जाते थे, तो ये एक बेटर वे है। और यहाँ पर जो इसकी कुशनिंग है, मतलब जो पैडिंग है, वो भी बेहतर कर दी गई है। जो यहाँ पर ये आप देख सकते हो रबर एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये थोड़े से बेटर कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल पीछे आपको ये सब देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कोई आपका लैंप वगैरह नहीं आता है, यहाँ पर दो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि आपको बेसिक चीज़ें आप वहाँ पर रख सकते हो। गाड़ी बंद करने में, खोलने में हर तरफ से जो है वो ज़्यादा सॉलिड फील होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ब्रेज़ा ये थोड़ी सी बेहतर फील होती है, ज़्यादा स्टर्डी और ज़्यादा मजबूत फील होती है। तो इसकी अगर क्रैश टेस्टिंग वगैरह करवाई जाए तो इसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक डिफरेंस पिछली वाली ब्रीज़ा के मुकाबले ये भी है कि उसमें आपको यहाँ पर पहले रूफ रेल्स देखने को मिलती थी ब्लैक कलर की, जो कि इस वाली गाड़ी में मिसिंग है। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स नहीं देखने को मिलती हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे कि पहले आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलते थे, लेकिन अभी इसमें जो है वो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प आते हैं। तो ये थोड़े से फीचर्स का मतलब कट ऑफ किया गया है और थोड़े से फीचर्स जो हैं वो एड ऑन किए गए हैं। स्पेस वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि रियर स्पेस किस तरीके से लगता है। तो ये आपका डोर कुछ इस तरीके का आ जाता है, रियर डोर है ये। यहाँ पर आपको पॉकेट स्पेस मिल जाती है जिसमें कि 1 लीटर बॉटल आराम से आपकी आ सकती है। ग्रैब हैंडल आ जाता है, पहले हैंडल कुछ और तरीके का आता था, अब हैंडल यहाँ पर साइड में इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट टच फैब्रिक आता है जो कि आपके LXi वेरियंट्स में हार्ड प्लास्टिक आता है। यहाँ पर आपका पावर विंडो का कंट्रोल आ गया, डोर ग्रैब हैंडल आ गया और उसके बाद में ये कुछ सीटिंग स्पेस इस तरीके से आपको पूरा देखने को मिल जाता है। VXi में यहाँ पर आपको पीछे हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं और इस गाड़ी में सीट कवर लगे हुए हैं और सीट कवर जो हैं वो अगेन शोरूम फिटेड हैं। तो ये आप देख सकते हो सीट कवर कुछ ऐसी अच्छी खासी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। एक और USP इसकी गाड़ी की वो ये कि यहाँ पर आपको रिवर्स में पीछे के लिए आपको AC देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके AC वेंट्स आते हैं जिसमें कि यहाँ पर आपको दो वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपका उनका कंट्रोलर उनको लेवल को कंट्रोल करने के लिए देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये हो गया आपका रिवर्स का प्रोफाइल, उसके बाद में एक बार इसके फ्रंट के प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ये आपका फ्रंट का डोर है, इसकी मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ट्विटर स्पेस दिया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर आपका अगेन डोर ग्रैब हैंडल आ गया, ये आपके चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आ गए, उसके साथ साथ ये आपका लॉक अनलॉक का फीचर आ गया, ये आपके विंडो कंट्रोल्स को ऑफ करने का फीचर आ गया, ये आपके ORVMs रिट्रैक्टेबल जो फीचर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और ये आपके ORVMs को कंट्रोल करने का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। एक अच्छी बात गाड़ी में ये है कि यहाँ पर आपको सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी की सीट को कम या ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिक्लाइन फंक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसके फ्रंट के प्रोफाइल की और बात कर लेते हैं और आगे बैठकर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। मैंने गाड़ी की चाबी आपको नहीं दिखाई है, तो चाबी यहां पर आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक का फीचर आता है यहां पर, पहले चाबी थोड़ी सी बड़ी आती थी, अभी यहां पर ये बेसिक की ही जो आपके LXi में आती है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग बट ऑफकोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ओके, तो वी आर इनसाइड द कार नाउ और आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आपकी रखी हुई है, बहुत अच्छे से प्लेस होती है। यहाँ पर आपके हेडलैम्प के और अडेप्टिव कंट्रोल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका AC वेंट आता है, AC वेंट के सराउंडिंग में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सिल्वर फिनिश में, यानी कि ये प्लास्टिक फिनिश ही है, आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा टेक्सचर जो है वो चेंज कर दिया गया है और ये वैसे हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट तो इस बजट में नहीं आएगा। तो ये काफ़ी मतलब सही लगता है देखने में, पूरे इंटीरियर वगैरह वो चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ से ये सॉफ्ट फिनिश जो है यहाँ से यहाँ तक आती है और यहाँ पर आपकी गियर नॉब तक आती है। गियर लीवर आपका मैनुअल आप गाड़ी है, तो यहाँ पर आपको एक क्रोम की सराउंडिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका स्टीयरिंग व्हील आ जाता है जिसमें आपके ऑडियो के, वॉल्यूम प्लस माइनस के, फोन को पिक करने के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके हेडलैम्प के कंट्रोल्स आ जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपका गाड़ी का जो है वो फ्रंट लुक है। टॉप वेरियंट्स में जो है आपका यहाँ पर HUD वगैरह भी आता है,
तो वो इस वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पर आपको एयर बैग का बैजिंग देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको टिकट होल्डर प्लस मिरर देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डे नाइट मिरर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका माइक आ जाता है, और यहाँ पर आपका एक लैंप आ जाता है जो कि आपको हेलोजन देखने को मिलता है। उसके बाद में इस गाड़ी में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का एक सॉकेट आ जाता है, और यहाँ पर आपका यूएसबी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। पार्किंग ब्रेक आपका यहाँ पर आ जाता है, और ये आपकी क्रोम की टेप आ जाती है। उसके बाद में अगर बात करें गाड़ी में, तो जो अच्छी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की वो ये कि यहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। सुजुकी में पहले ये वाला म्यूजिक सिस्टम आपका ZXi वेरियंट में आता था, और ये काफ़ी मतलब सही है कि इस वेरिएंट में भी आपको दे दिया, तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह की फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये दिस इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको ब्राउज वगैरह करके देखा था, अच्छा है। मतलब इसका जो अगर टच की मैं बात करूँ तो टच रेस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इसके टच की बात करूँ तो इसका टच बहुत रेस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है, और कोई भी फंक्शन मतलब कहीं से कहीं तक भी कोई लैगीनेस वगैरह महसूस नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये जो साइज़ है ये काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शनेट साइज़ है, और ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको ये म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर्स इसके साथ में आपके गाड़ी में आते हैं। अगर मैं MID की बात करूँ तो ये MID आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, जहाँ पर कि दो नॉब्स आपकी आती हैं, जो कि आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, और उसके अलावा आपके टोटल ओडो में किलोमीटर्स दिखाता है, और यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल एम्प्टी वगैरह वो सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। क्योंकि गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ दिखाई दे जाता है इस जगह पे, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें कि आप लेफ्ट में देख सकते हो यहाँ पर कि आपका फ्यूल का लेवल दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपका टेम्परेचर का लेवल दिखा रहा है, आपके बेसिक सारे कंट्रोल्स दिखा रहा है, तो आपके सारे के सारे ये नोटिफिकेशंस वगैरह दिखा रहा है। इसके ऊपर भी कि इन लाइट्स का क्या मतलब होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। आपको देखना हो तो कि आप समझना चाहते हो कि कौन सी लाइट का क्या फंक्शन है, तो आप बिल्कुल उसको जाकर देख सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी लाइट जो है वो आपकी नहीं आनी चाहिए, कौन सी लाइट जो है वो आपकी आनी चाहिए, तो वो सारी बातें आपको बताता है। डोर ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको यहाँ से को पैसेंजर साइड से देखने को मिल जाते हैं, पीछे दोनों गेट्स पर देखने को मिलते हैं। तो ये है गाड़ी में ओवरऑल। और उसके अलावा यहाँ पर आपका वॉइस कमांड्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, अगर आपको करनी हो तो उसके लिए आपको दिखा रहा है कि फ़ोन पेयर वगैरह करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके मैंने MID के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, आपको सारी जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसमें सारे फीचर्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो कवर है ये भी आपका क्या कहते हैं आपका शोरूम फिटेड है, तो ये भी वहीं से लिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है जो लगवाई हुई है, मैं आपको पहले बाहर चल के दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर भी तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कैमरा भी इंस्टॉल हुआ है। कैमरा जो है गाड़ी में स्टॉक नहीं आता है, तो वो यहाँ पर इसमें लगाया हुआ है। और एक बार मैं इसको स्टार्ट करके रिवर्स डाल के आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके इसको रिवर्स गियर में डालता हूँ, और फिर ये अपने आप से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कैमरा आप देख सकते हो, अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में भी जो है कैमरा कंपनी देने में बड़ा कतराती है, और कैमरा दे देती है तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। लेकिन जो ये शोरूम फिटेड कैमरा लगाया था ये काफ़ी सही लगाया था, और यही हैं कुछ एक्सेसरीज़ जो कि इस गाड़ी में लगी हुई हैं। अभी आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है, और अंदर तो कोई साउंड आएगी ही नहीं, अगर आप सुनना चाहो तो सुनो। और 1000 RPM से गाड़ी नीचे, यानी कि इंजन एकदम काम पोजीशन में है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि गाड़ी की वैसे साउंड जो है वो कितनी आती है। तो इस वक्त माइक को मैं पोजीशन कर देता हूँ इसके बोनेट के पास में, तो आप सुन सकते हो सुपर साइलेंट जो है ये इंजन है, और इसके अंदर बिल्कुल कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं आती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि इसका जो इंजन है वो भले ही 1500 cc का है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन इसके अंदर कोई भी साउंड ऐसी या फिर कोई भी ऐसा कोई शोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। सुपर साइलेंट ये जो है
इंजन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है सब कुछ, मतलब जो गाड़ी है पूरी की पूरी ओवरऑल पैकेज VXI वेरिएंट है। इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट थी वो लगभग 11,05,000-10,000 रुपए के आसपास पड़ी थी। तो पूरा मतलब वैल्यू फॉर मनी बन जाता है ये। इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं, जो भी आप 16 इंच के टायर देख लो, 1500 cc का इंजन देख लो, अच्छी खासी सिटिंग पोजीशन देख लो, उसके अलावा यहाँ पर आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सारे फीचर्स जो हैं आपको बहुत कमाल के देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ आपको स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको इसकी बोनट विजिबिलिटी और चेक करा देता हूँ कि बोनट विजिबिलिटी किस तरीके की है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी हाइट 6 फीट है और बोनट की विजिबिलिटी बहुत सही आती है। मतलब ये पॉइंट है जहाँ से कि मैं देख पा रहा हूँ, और बोनट विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ था इस गाड़ी के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप बेशक उसको कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको जरूर जाकर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इस गाड़ी के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।